जय बोले की हर हर महादेव, जय श्री शंभु। तो भाई शंकर भगवान की जय। तो भाई आज है डे 3 और आज इस टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है भाई हमारा बनना, वहाँ पे नाश्ता बनना भाई हमारा। और आज है भाई हमारा जल उठाने का दिन। आज हम शाम को जाएंगे हरिद्वार, हरिद्वार से जाएंगे चल और जल उठा के फिर जाएंगे अपने सीधा गाँव में जहाँ पे मंदिर पर जाकर हम चढ़ाएंगे। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग है आज का, बहुत ही बढ़िया व्लॉग रहेगा। ये वाला भी दिखाएंगे जितना भी होगा, क्या पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे आज आपको हम। फिलहाल तो भाई यहाँ पे चल रहे हैं भाई, थोड़ा सा खान पीन चल रहा है, बन रहा भाई कुछ और पकौड़ी बन रही है। और वहाँ चल रहे भाई सारे बोला बैठे वहाँ पर, अपना रेस्ट कर रहे हैं, कोई हुक्का पी रहा है, मजे ले रहे हैं सब, सब मौज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई शकल देखा तो शकल बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है फेस पे, बहुत ही ज़्यादा टैनिंग। चलो कोई नहीं भाई, घर जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई यहाँ चल रही है भाई सबकी यहाँ पकौड़ियाँ, ऐसा लग रहा था कितने दिनों बाद भोगो खाना मिला। तो कैसे बैठे सारे के सारे, ये कौन सा जानवर पड़ा है ये बैठे। पकौड़ी तो खत्म होगी। तो भाई मैं फिलहाल आ चुका हूँ कंकल और ये भाई दस प्रजापति मंदिर। हम दक्ष महादेव के मंदिर आ चुके हैं। आज मैं आया हूँ भाई लंकी और भाई सुमित के साथ आ चुका हूँ। भाई मैं तो बाइक लेकर आ गया था भाई, ये साथ भाई तो वैसे पैदल आ गए थे, एक भाई तुम्हारा भाई थोड़ा तेज निकला, तुम्हारा भाई आ गया बाइक से यहाँ पे। बाकी मेरे दो भाई और आ चुके हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। जाओ भाई और देख लो भाई पूरा काफिला भाई यहाँ पर मौज आ रही, सब भोले के मौज में है, सब भोले के मस्त भाई। तो भाई ये मंदिर है भाई, इस तरीके से कुछ दक्ष यज्ञ यहाँ पे है भाई, बोरा मंदिर श्री यक्ष महादेव से मंदिर है यहाँ पे। अब भाई ये सामने यहाँ पे नाने का स्थान है, आ जा आ जा। चलो और भाई ये हम आ चुके कंकल में भाई, देख लो भाई बात थोड़ा तेज ही है, सारे भोले यहाँ आ रहे हैं फिलहाल, फुल मौज आ रही भाई। चलो भाई आके चलते आके दिखाते थोड़ा सा पानी, देख लो भाई मौज आ रही है फुल। कंकल से निकल चुके हैं से। तो भाई हम यहाँ से निकल चुके हैं दस बजे पैसे मंदिर से भाई, जा रहे टेम्पो पे, वहाँ पे खाना पीना रेडी है, खाएंगे पियेंगे और दिखाएंगे आपको। जय हो, जय भोले बाबा की। कल साया था भाई हमारा, खाना बिल्कुल रेडी हो चुका रही है हमारे, बन रहा है पनीर मखाने और मखानी, पनीर मखानी न्यू सब्जी है। अरे उस्ताद जी ने लगा दिया तंदूर, अरे यहाँ बस्ती में चल रही है नान, अब नान और खाएंगे पनीर तब रेडी है खाने के लिए। नान अब पनीर चलती है भाई हमारे सही भोलान के लिए, चल दिया भाई पनीर और नान चलती है ये भाई, देख लो दही बहुत बढ़िया अमूल का मक्खन के साथ नान चल रहा है भाई, बेहसाब मौज आ रही है भाई। रमा साहब जुड़ते गए सोनू बालियान भाई, खास लोनी से आए हैं स्पेशल ओनली फॉर नान और पनीर खाने। अच्छा भाई जुड़ चुके यार, चलो भाई हमारे भाई विजय प्रधान को भाई, इन्होंने इतना खा लिया इन पे ना, अब फारा मार रहा है इनका पेट, ये देख लो भाई कितनी बुरी तरीके से फारा मार रहा भाई है इनका पेट। भाई कितने नान खा लिए सच्चाई, कितने नान खा लेंगे भाई ने? 8-10 खाए भाई, 8-10। और मिस्सी रोटी कितनी खा ली लमसम? दो तीन मिस्सी रोटी, कुल मिला के 12-13 लपेट के बैठे हुए यार, सांस नहीं ले रहे है, है कर रहे हैं ये गर्दन है, ये देखो हिचकी ओए होए। और भैया रायते के गिलास उन्होंने ऐसा अनगिनत पी ली, अनगिनत। ये देखो भाई एक, मेरे भाई एक रायते का गिलास ले ले, डाल 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 डाल, ये देख, अरे ले ले यार, ये यार देख भाई ये ऑफ द कैमरा ये 10 रायते के गिलास पी चुके हैं हमारे, ये विजय प्रधान है ये हमारे बड़े भाई मिस्टर लंके जी खाना खा रहे हैं। और ये हमारे विक्की प्रधान भाई, ये हमारे दीपक भाई पनीर पनीर खा रहे हैं खाली नान मिल नहीं रहे। बाकी भाई देख लो मैंने पूरा टोपी वोपी ले रहे हैं हम भाई। इस आदमी को देखो बड़े ध्यान से, ये आदमी को तकरीबन पिछले आधे घंटे से लग रहा है
और इसने कम से कम गिनती की 10 नाम तोड़ दियो। घंटे से बैठा हुआ नान ही और बोलो ना नान आई नहीं रही है आधे घंटा हो गया यार सब। ये भाई ये झूठ इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये तो 10 नान खा चुका है, 11वीं नान की तैयारी है और 12वीं नान मंगा रहा है। शर्म नहीं आ रही यार, घिनौना चेहरा इसका देख लो। देखो भाई कितनी ये मतलब इतने बुरे घिनौने हरकत कर चुके हैं, ये अपनी सलाद सलाद खाएगा। तो भाई खाना वाना पी के सब चीज पी के भाई हम स्टम हो चुके हैं, जाने के लिए रेडी, चैनल उठाने के लिए बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो चुके हैं। और मेरे जितने भाई हैं सारे बोला अपने अपने ड्रेस पहन चुके हैं, नागो के बिल्कुल सब रेडी हो चुके हैं। सभी ने देखो भाई सभी ने अपनी ड्रेस ड्रेस पहन ली है। बाकी हमारे भाई रह के कुछ बोला जो भी नहा रहे हैं अभी नहा के भी आए हैं, पहनेंगे ड्रेस वगैरह और अब जल उठाने के लिए तैयार है। इस टाइम टाइम हो रहा है सुबह शाम के 7 बजे के आसपास टाइम हो रहा है और हम तकरीबन 10 बजे के आसपास जल उठाएंगे। यहाँ से हरिद्वार अप्रोक्स हल्की पौड़ी 5 किलोमीटर रह गया, तो यहाँ से जो बाइक चल के जाएंगे जो जल उठाएंगे सारा दिखाएंगे आपको। लोग बने रहना, लोग बड़े बहुत बेहतरीन होने वाला। कमेंट बॉक्स में जाके सारे भाई आए वाली तो हर हर महादेव पूरा जोश है भाई, सारी थकान उतर गई है भोले बाबा के नाम की। हमारी ये ड्रेस है इस बार की, ये देख लो इसका आय का फ्रंट है और इसका बैक ये है पीछे का। और भाई इस बार हमारी 10वीं का मतलब भाई 10वीं हमारी 10वीं शिव शक्ति डाक कावड़ है और भाई इस साल की है 2023 की, 2022 की आपको दिखाई थी मैंने पिछले ब्लॉग में आपने देखा भी होगा। ये इस टाइम इस साल की हमारी पूरी कावड़ की ड्रेस है, पूरी भारतीय ड्रेस है। शूज वगैरह पहन लिए रनिंग के लिए, अब तैयार है बिल्कुल जाके। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई एक बार भाई बता रहे कुछ नियम और कानून बता रहे हैं पिछले बार की तरह जैसा बताया था इस बार बता रहे हमारे अध्यक्ष साहब। तो ये चीज ध्यान रखना, मोटरसाइकिल से उतरने के बाद हमेशा मोटरसाइकिल से आगे और बिल्कुल साइड में, बिल्कुल साइड में खड़ा होना है। ठीक भाई सारे बोरा हो। तो भाई हम जा रहे हैं इस चमर की पौड़ी पे, तो भाई अब हम जा रहे हैं अभी हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। मार्केट में फिलहाल हम रेलवे स्टेशन के हर की पौड़ी, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर है प्रसिद्ध हर की पौड़ी में मिलकर आपको दिखाते हैं हर की पौड़ी पूरी। तो भाई फाइनली भाई हम हरिद्वार पहुँच चुका हूँ मैं, और भाई मैं और बस मेरा भाई लंकी है मेरे साथ, बाकी कोई भी नहीं है। बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आवाज भी नहीं आ रही, लेकिन भाई ये देख लो भाई कितना जनसलाब है भाई, कितने सारे भोले आए हैं। तो भाई जल भरने की तैयारी चल रही है, ये हमारा इसमें हम ना जल भरेंगे और फिर इसे अपने गांव में ले जाएंगे, अब वहाँ पर जल चढ़ाएंगे। अरे भाई से भर के दिखाएंगे, तभी थोड़ी सी ग्रिप सही कर रहे ताकि हम इसे हाथ में इजली पकड़ सके भाई। अरे देख लो भाई माहौल कितना बढ़िया माहौल है भाई।
तो भाई फाइनली हमारा जल भरना हमने स्टार्ट कर दिया है। ये हमारे बड़े भाई रहे, भाई भर रहे हैं फिलहाल जल हर की पौड़ी से। और इस टाइम समय हो रहा है, समय क्या हो रहा है, समय 11:45 का समय हो रहा है भाई। 11:45 पे हम जल भरना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल भर के फिर हम देखते हैं 10 से 15 मिनट बाद हम निकलेंगे, बता देंगे समय जो भी समय होगा निकलने का। फिलहाल भाई भर रहे हैं जल। शंकर भगवान की जय। भाई माहौल देख लो, माहौल कितना जबरदस्त हो रहा भाई। तो भाई हमने भाई 11:50 पे जल ठा लिया है और सारे भोले भग रहे भाई। अरे गीला है अभी, इसकी वजह से हो रहा है ऐसा। बंदा बंदा चेक कर लिया, बंदा बंदा लग से टाइट है, टाइट है ना, टाइट है। भाई हमारी हमारी कवर स्टार्ट हो गई है, मुझे सारे हमारे घोड़े जा रहे हैं। भाई इस बरसात में रात के 3 बजे के आसपास का समय हो रहा है और देख लो भाई सब जगह जाम है, सब जगह जाम ही जाम है, रास्ता तक नहीं मिल रहा। लेकिन भाई पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी कावड़ को ना रोक के, पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी कावड़। ये आ रही तेरा अपना जल, ये अपने भोला है। और रात के 3:30 बजे के आसपास देख लो भाई कितना जाम है, चारों तरफ जाम ही जाम है। सब चढ़ के भाई तकरीबन आज तकरीबन 30-30 किलोमीटर हो गए लगातार, हम चार भोले ही ला रहे हैं कावड़। बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, पैर वैर सब सन गए हैं, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। लेकिन कोई बात नहीं, दोस्त कम नहीं है, इस कावड़ को लेकर जो भी पहुँचेंगे बोल शंकर भगवान की बल बम बोल बम, कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ तो भाई मैं इस टाइम टेम्पो को आ चुका हूँ, इस टाइम टाइम हो रहे हैं 12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। भाई रात को मैंने देखा भाई किस हालत में, भाई जल कावड़ लेकर आ रहे थे। लेकिन भाई मैं जा चुका हूँ और भी भाई अभी भी हम जल हमारा 30 किलोमीटर आज तरफ पीछे है। हमारा जो जल था, जो हमारा टेम्पू था, वो बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ था भाई जाम में। मेरे भी हाथ बहुत ज़्यादा खैब हो गया, गला बैठ गया है, हाथ में भी दर्द हो रहा, पता नहीं क्या ही हो रहा भाई, बहुत बुरा हो रहा है। क्या हो गया ये चलो ड्राइवर साहब, आज कहीं कहाँ है,
शंकर भगवान की। ये हमारे श्रीकांत हलवाई और ये खींचते हुए डाकर सूट मारेंगे ये पर शंकर भगवान की।
चल 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 तो भाई फाइनली तुम्हारा भाई घर आ चुका है भाई। हमने बहुत आराम से सेफली भाई चल चढ़ा दिया है। और भाई इस बार जो हमें हरिद्वार से अपने गांव आने में समय लगा लोनी में, वो हमें समय लगा 20 घंटे का समय लगा भाई। इतना समय भाई हमें क्यों लगा, क्योंकि भाई आप सभी को पता भाई इस टाइम इस बार मौसम बहुत ज़्यादा खराब था, हालात बहुत खराब थी, कंडीशन बहुत खराब थी भाई। जाम ऐसे पैक थे, इतना जाम था भाई, इतना जाम था कि भाई हमें पता है कि हमने अपना जन कैसे निकाला है। हम भाई कभी टेम्पो के नीचे से निकल रहे हैं, कभी भाई उसके मोटरसाइकिल ऊपर से कूद रहे हैं, लेकिन हमने अपना भाई जल्द नहीं रुकने दिया, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद था, मन में विश्वास था, जज्बात था। तो इसके बारे में भाई ये जल्द बिल्कुल रुकने दिया। और भाई बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ भी आई, बहुत परेशानी भी आई। और इस बार की भाई मेरे एक्सपीरियंस में भाई बहुत कड़ा जल रहा है इस बार का हमारा, जो हमारे साथ बड़े भाई भी जाते हैं हमारे 10 साल से लेकर आ रहे भाई बता रहे कि इस बार का हमारा आना जाना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है भाई। और भाई मैं वैसे घर से घर आ चुका हूँ, बहुत 3 दिन हो चुके हैं, मैं कह रहा है भाई आदमी ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे 2 दिन तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। और फिर थोड़ा सा भाई आप देखा टैनिंग वैनिंग वगैरह होगी, जिस चीज़ को भी थोड़ा सा करवाया, थोड़ी बियर्ड वेड सेट कराई, तो इस वजह से तो इसी ब्लॉग को भी नहीं एंड करते। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर गाइस ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। और भाई जाके कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई, जाने भाई जाके लिख देना हर हर महादेव, हर हर महादेव लिख देना भाई। ठीक है भाई, ठीक है जी, बाय बाय, राम राम, जय श्री राम। मिलते हैं आपके लिए अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय 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 बाय।